हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य, मनोरम घाटियों, गीत गाते हुए झरनों एवं पावन तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। ये वही प्राचीनतम एवं पुनीत प्रदेश है जहां बड़े बड़े महापुरुषों एवं ऋषि मुनियों ने जन्म लिया और तप किया। प्राचीन काल में बद्रिकाश्रम में भगवान नरनारायण ने तथा केदारखंड में भगवान शिव ने कई वर्षों तक तपस्या की। सातवीं शताब्दी में यहाँ जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की पुनर्स्थापना की और दिव्य ज्योति तथा निर्वाण प्राप्त किया। तब से गढ़वाल केदारखंड के नाम से विख्यात हुआ। केदारखंड भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली तथा ऋषि मुनियों की तपोभूमि और साधना भूमि रही है। वैदिक काल में वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, गौतम, विश्वामित्र तथा अगस्त्य आदि ऋषियों ने इसी क्षेत्र को अपना तपस्या स्थल बनाया। ऋषि मुनियों एवं महान पुरुषों की इसी श्रृंखला में ज्ञान, भक्ति एवं अध्यात्म ज्ञान का दिव्य संदेश समस्त भारतवर्ष में जन जन तक पहुंचाने वाले श्री हंस जी महाराज का जन्म इसी पवित्र भूमि में हुआ, जो महानिर्वाण के बाद विश्व में विख्यात हुए। इनका जन्म ग्राम गाड़की सेड़िया पट्टी तलाई पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 को सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनका जन्म का नाम हंसराम सिंह था। इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंह रावत था एवं दादा का नाम श्री हेमंत सिंह रावत था, जो देवशाल रावत के वंश के साधारण किसान थे। इनकी माता का नाम श्रीमती कालिंदी देवी था। श्रीमती कालिंदी देवी बहुत ही धर्मपरायण एवं भक्त हृदय नारी थी। महादेव और पार्वती के प्रति उनकी दृढ़ आस्था एवं श्रद्धा थी और उनके मंदिर में सदा पूजन हेतु जाया करती थी। श्री महाराज जी बताया करते थे कि उनकी माँ उन्हें भी साथ में ले जाया करती थी और वहां वे महादेव और पार्वती को साक्षात खड़े देखते थे। सन 1966 की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने बचपन के बारे में बताते हुए श्री महाराज जी कहने लगे कि उन्हें बचपन से ही भगवत दर्शन की बहुत लगन थी। बाल्यकाल में कई बार उन्होंने भगवान के दर्शन किए और अक्सर उनकी समाधि लग जाती थी। वे कई बार आंख बंद करके भगवान को पकड़ते थे, दिव्य प्रकाश देखते थे और सोचते थे कि औरों को मिले हैं तो उन्हें क्यों नहीं मिलते। बाल्यकाल से ही वे एक सिद्ध पुरुष थे। उनके एक मित्र ने बताया कि जब वे लगभग 8 वर्ष के थे तो सभी साथ में खेला करते थे और श्री हंस जी महाराज को प्यार से हंसा हंसा कहते थे। श्री हंस जी महाराज खेल खेल में उन्हें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदि बड़े बड़े शहरों को दिखाते थे। एक दिन उनके मित्र ने कहा उन्हें विलायत देखना है, तो श्री हंस जी महाराज ने आंख मिचौनी खेलते खेलते अपने मित्र को झट पकड़ा और कहा, देख यहाँ कितने बड़े बड़े शहर हैं, ये सब विलायत के ही हैं। सन 1915 की लड़ाई में उनके मित्र ने विदेशों के बड़े बड़े शहरों को देखा जिन्हें वे बचपन में ही देख चुके थे। तब वे बार बार बचपन के उन अनुभवों को याद करके विस्मय में पड़ जाते थे। श्री महाराज जी के मित्र अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि कभी कभी इस बुढ़ापे में जब उनकी याद आती है तो वे देखते हैं कि वे अभी भी बच्चे ही हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कहां सोचा था कि आगे चलकर वे गुरुओं के गुरु कहलाएंगे तो कोई उन्हें हंस अवतार कहेगा, परंतु उनके लिए तो उनका हंसा साक्षात भगवान ही था।